स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड एक पर्टिकुलर टाइप जहां पर आपको नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको क्वेश्चन में ये कहा रखा होता है कि दैट द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू हिज प्रॉफिट शेयर इन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, या फिर सिंपली ये लिखा होता है दैट द न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ऐसे में नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकाली जाती है बच्चों, आइए उसको इस मेरे एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। सपोज ए और बी तो पुराने पार्टनर्स हैं जिनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया है और ए और बी दोनों की जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेज हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है बच्चों, वो है ₹1,80,000 एंड ₹1,20,000। ठीक है बच्चों, आपको निकालना है कि सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा अगर उसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आनी है तो। तो बच्चों जो ए और बी की कैपिटल्स आई हैं सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनको एड कर लीजिए, ये कहलाएगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जो कि नाम है ए और बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ये आई निकलकर ₹3,00,000। ठीक है बच्चों, पहले आपने इतना काम कर लिया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको निकालना है रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर कैसे निकलता है बच्चों समझिएगा, वन में से नए पार्टनर के शेयर को हटा दीजिए, जो बचा वो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर है। ठीक है बच्चों, इसको हम कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स भी कहते हैं। रिमेनिंग शेयर को हम कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर जो कि फिलहाल कौन है ए और बी। ठीक है बच्चों, रिमेनिंग शेयर को कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स भी कहा जाता है। अब ऐसे में आपको जब टोटल कैपिटल निकालनी होगी तो जो रिमेन पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कंबाइंड कैपिटल को उनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ये कह लीजिए कि इनके कंबाइंड शेयर से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही होती है बच्चों। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई, अब आपको नए पार्टनर कैपिटल ढूंढनी है तो टोटल कैपिटल को सिंपली नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नए पार्टनर की कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों,